मशरूम के साथ शुरू की, उनको ये भी नहीं पता था मशरूम क्या चीज है। तो मन सलवा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दिए गए थे, उसमें मन या सलवा एक परिंदा था और एक ये मशरूम थी। क्राइम बट पंजाब को उसके लिए सूट नहीं करता। जितने भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ हम मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। और यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका नेचुरल हो आप उस पर ही जाएं, आप नेचर के अगेंस्ट ना जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मशरूम में इसका स्पान। एक्चुअली दिस इज फंगस। स्पान जो होता है उसका बेसिक जो होता है वो कल्चर होता है। हमने ऐसा मीडिया सेलेक्ट करना है कि जो चीपेस्ट हो। वेस्ट उठाते हैं एनवायरनमेंट से, उसकी जगह हम अच्छी चीज़ दे दें। मशरूम का बिजनेस है, ये ख्वातीन के लिए बहुत उनको बहुत सूट करता है। जो गैनोडर्मा है मुख्तलिफ तरह की जो बीमारियों के खिलाफ इफेक्टिव है। तो जो ब्लैक मशरूम जो है ना, जितनी भी क्रॉनिक खांसी हो कफ हो, एक हफ्ता करें तो आपकी ठीक हो जाती है। पाकिस्तान में कितनी मशरूम जो है वो इम्पोर्ट होती है? 25 करोड़ रुपए की सालाना हम मशरूम इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हम चुप करके बैठ गए। बाहर से आती है ड्राई मशरूम, वो सिर्फ उनको पता नहीं उसमें क्या एडवांटेज है कि वो लोकल भी प्रोड्यूस की जा सके। और वो जितनी भी मशरूम बाहर से आ रही है, चाइना से आ रही है, दीगर मुल्कों से आ रही है, वो सारी की सारी वैल्यू एडेड मशरूम है। अमेरिका में तकरीबन 90% लोग रोज मशरूम यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 50% इसमें कार्बोहाइड्रेट है और 15% इसमें हेल्दी फैट है।